नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए, यहां आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि यहां पर 18 और 19 अप्रैल रखी गई है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 2024 रात के 11 बजे के बीच। दोस्तों, कुल पदों की संख्या यहाँ पर जो SSC के द्वारा जारी की गई है 966 है, जिनमें से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर सिविल के SC के 76 पद हैं, ST के 36 हैं, OBC के 136 हैं, EWS के 48, अनरिजर्व के 142, टोटल हैं 438 पद। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के SC के 8 पद हैं, EWS के 2 हैं, अनरिजर्व के 27, टोटल 37 पद हैं। इसी तरह ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत 2 पद हैं अनरिजर्व के। सेंट्रल वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का 9 पद हैं अनरिजर्व के, टोटल सभी कैटेगरी के मिलाकर 12 पद हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर सिविल के 19 पद SC के हैं और 6 पद ST के हैं, 39 हैं OBC और 12 हैं EWS, 44 अनरिजर्व, टोटल 120 पद हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 18 SC के हैं, 9 पद हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में ST, 32 हैं OBC, 11 EWS, 51 अनरिजर्व, टोटल 121 पद हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ही जूनियर इंजीनियर सिविल के 32 SC, 16 हैं ST, 58 हैं OBC, 21 EWS और 90 हैं अनरिजर्व, टोटल 217 पद हैं। सेंट्रल वाटर रिसोर्स पावर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में केवल 2 पद हैं, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन 3 पद हैं। DGOA और नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैकेनिकल के 3 पद हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिकल के भी 3 पद हैं और फरक्का बराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत केवल 2 पद हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। तो डिटेल्ड में पदों से संबंधित जो पदों की संख्या विज्ञापन में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ रखी गई है, आवेदक के पास सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियरिंग के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस सिविल इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड। अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए 30 साल। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए आवेदक के पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 30 साल रखी गई है। जूनियर इंजीनियर के इन पदों के लिए आवेदक की जो नेशनलिटी है, सिटीजनशिप या राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत, नेपाल, भूटान या तिब्बत जैसे देशों का रहने वाला होना चाहिए। पदों से संबंधित जो आयु सीमा रखी गई है उसकी कैलकुलेशन 1 अगस्त 2024 के आधार पर फिक्स की जाएगी। आवेदक की आयु 30 साल से 32 साल के बीच में यहाँ पर होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 100 रुपये फीस पेमेंट करना है अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि सभी वर्गों की महिलाओं SC ST और PWD वर्ग साथ ही एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम UPI
आई के माध्यम से किया जा सकता है। एक बार फीस पेमेंट करने के बाद में किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य एग्जाम के लिए उसे एडजस्ट किया जाएगा। अगर दोस्तों आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 22 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 रात के 11 बजे तक। केवल 2 दिन के टाइम ही आपको मिलेगा करेक्शन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके लिए आपको पहली बार अगर आप अपना करेक्शन करते हैं तो ₹200 आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने होंगे। इसके साथ दूसरी बार पेमेंट करेक्शन कोई छूट जाता है और उसे करेक्शन करने की आप इच्छा रखते हैं तो ₹500 फीस पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करनी होगी दोबारा से करेक्शन करने के लिए। दो चांस ही अधिकतम आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में करेक्शन के लिए दिए जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करते समय सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको डिक्लेयर करने होंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। तो दी गई है यहाँ पर एक लिस्ट एग्जामिनेशन सेंटर्स की विभिन्न राज्यों में जो जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाएंगे अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर आप एप्लीकेशन फॉर्म में भर सकते हैं। उनमें बाद में कोई भी संशोधन या चेंजिंग नहीं संभव होगी, इसलिए ध्यान से अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स को चुनाव करना है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात की जाए तो एग्जाम जो होगा इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा ये कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा। पेपर 1 जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर 50 प्रश्न होंगे। यहाँ 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस पर भी 50 प्रश्न 50 अंकों के होंगे। ये जो होंगे टोटल 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तीसरा जो पार्ट होगा इसमें पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग सिविल और स्ट्रक्चर पर आधारित 100 प्रश्न होंगे, या फिर पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल पर 100-100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100-100 अंकों के। टोटल समय परीक्षा के लिए जो दिया जाएगा 2 घंटे का होगा। हर सेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर जो टाइम है वो निर्धारित होगा, उसको एक्सपायर हो जाने पर दूसरे टॉपिक पर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेंगे। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना है क्योंकि कंप्यूटर पर यह एग्जाम लिया जाएगा ऑनलाइन मोड में। पेपर 2 जो होगा ये भी कंप्यूटर पर आधारित होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर 100-100 प्रश्न पूछे जाएंगे स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल के प्रश्न होंगे, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के, और मैकेनिकल के स्पेशलाइजेशन रखते हैं तो मैकेनिकल के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। या फिर आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पार्ट ए पार्ट बी या पार्ट सी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ 100 प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न का सही होने पर 3 अंक दिए जाएंगे। टोटल निर्धारित अंक हैं 300। टोटल समय यहाँ दिया जाएगा 2 घंटे का। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर आधारित होगा। इसमें 2 पेपर पेपर 1 पेपर 2 कंडक्ट होंगे। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में सभी प्रश्न मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत उत्तर देने पर आपको 0.25 मार्क्स का डिडक्शन किया जाएगा और सही होने पर 1 अंक दिया जाएगा पेपर 1 में। जबकि पेपर 2 में अगर आपका प्रश्न सही होता है तो 3 अंक दिए जाएंगे। अगर आपका प्रश्न गलत होता है तो उस कंडीशन में आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। आप अपनी परीक्षा की तैयारी जो एडवर्टाइजमेंट में इंडिकेटिव सिलेबस दिया गया है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स पर आधारित पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पेपर 2 में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर आधारित सिलेबस आपको मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस पर आधारित सिलेबस यहाँ दिया गया है। इसी तरह जनरल इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक पर आधारित पार्ट ए सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स दिए गए हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर आधारित सिलेबस आपको मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो पदों से संबंधित और एग्जामिनेशन से संबंधित जब आप एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं इसकी डिटेल भी आपको विज्ञापन में या फिर एडवर्टाइजमेंट में दी गई है, उसको आप स्टडी कर लें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में अच्छे से। साथ ही पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डिटेल
एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना ना भूलें। यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स लाने होंगे पेपर वन एंड टू में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25%, ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 20% मार्क्स लाने होंगे पेपर वन और पेपर टू में, तभी उनको क्वालिफाई या पास माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करना होगा इन पदों के लिए, उसके लिए आपको जाना होगा एसएससी की वेबसाइट पर। यहाँ आप देख रहे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, अप्लाई का एक लिंक दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जूनियर इंजीनियर सिविल वाले बटन पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे रजिस्टर वाले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ चुका है, पर्सनल डिटेल देनी है सबसे पहले आपको, फिर पासवर्ड क्रिएशन करना है, उसके बाद एडिशनल डिटेल देनी होगी नेशनलिटी एड्रेस एजुकेशन के बारे में, डिक्लेरेशन को आपको कंफर्म कर देना है और कंटिन्यू पर यहाँ पर आपको पहले जाना होगा। यहाँ आपके सामने पर्सनल डिटेल वाले कॉलम्स आ चुके हैं, पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर सारी डिटेल्स भर देंगे और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए चले जाएंगे। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके साथ पास आ जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन वाले बटन पर जाना है और यहाँ आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर एसएससी के द्वारा जारी किया गया है उसको यहाँ पर डाल देना है, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उसको डाल देना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेना है और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसमें आपको फ़ोटो सिग्नेचर और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड कर देना है। लेकिन आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो सिग्नेचर को रेडी मोड में अपने पास रखना है जिसे आप समय पर अपलोड कर सकते हैं और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में इजीली सबमिट हो सके। तो अंतिम तिथि है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की 18 अप्रैल और फीस पेमेंट करने की ऑनलाइन मोड में 19 अप्रैल अंतिम तिथि रखी गई है। तो आज ही अगर आप इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो एसएससी की वेबसाइट पर ज़रूर जाएँ और इन पदों के लिए समय पर आवेदन जरूर कर दें 18 अप्रैल से पहले पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपको आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।